पंजाब में गैंगस्टरों की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हम देखें तो पंजाब के अंदर जिस तरह की बातें कही जाती हैं कि गैंगस्टर की धरपकड़ पंजाब की पुलिस लगातार कर रही है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार कर रही है, इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर लगातार इस तरह की आपराधिक गतिविधियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पंजाब के बठिंडा में एक और व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से पंजाब के अंडरवर्ल्ड की चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता भी अब जमकर बरस रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद क्या कुछ पंजाब के अंदर चल रहा है, बठिंडा के अंदर चल रहा है, और पंजाब के गैंगस्टरों के बीच अब किस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, पूरी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। दरअसल पंजाब के बठिंडा में मॉल रोड पर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह जोहल उर्फ मेला की हत्या को लेकर अब राज्य की राजनीति गर्मा चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब के बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल के सांसद जो हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने बठिंडा में सरेआम जो शनिवार को व्यापारी की हत्या हुई है, इस मामले को लेकर आज पंजाब की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अब सीधा प्रहार किया है। वहीं पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हत्या के विरोध में आज धरना दिया। हत्या के विरोध में रविवार को शहर की सभी दुकानें बंद थीं। मॉल रोड पर लोग इकट्ठा हुए थे, दुकानदार जो उन्होंने फौजी चेक पर धरना शुरू किया। दुकानदारों ने पंजाब सरकार और पुलिस के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। उधर दुकानदारों के गुस्से को देखते हुए मिलिट्री चौक पर पुलिस भी तैनात किया गया था। वहीं देखा गया कि जोहल की हत्या के करीब 21 घंटे के बाद बठिंडा पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस ने दोनों शूटरों के बारे में जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सूचना देने वाले जो लोग हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि जिस जगह पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है उससे थोड़ी ही दूरी पर पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां ड्यूटी पर मौजूद थीं, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने हत्यारों का पीछा करने का प्रयास तक नहीं किया। हरसिमरत कौर बादल ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को छोड़कर मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो उन्हें शायद दिखाई नहीं देता। पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह विभाग इसमें देखा जाए तो संभाल रहे हैं। भगवंत मान को इस पूरे मामले को लेकर अपनी पुलिस से जवाब तलब करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि पंजाब में रोजाना ये क्या हो रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की कानून व्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार को भी घसीट लिया और कहा कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ रही है, जबकि पंजाब देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा उसका BSF के अंडर भी आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की इसमें मिलीभगत है और इसी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज शाम को देखने को मिला पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दुकानदारों के धरने पर पहुंचे। सिद्धू ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पंजाब में ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, उनके मंत्री और कोई भी विधायक इस पीड़ित परिवार का हाल जानने तक नहीं पहुंचा। हर दिन यहां पर कोई ना कोई हत्या हो रही है, गैंगस्टर व्यापारियों से फिरौती मांग रहे हैं, आम लोग कहां जाएं? अब दिव्य मन चुप क्यों है? बहस की बात करने वाले भगवंत मान को यहाँ पर आना चाहिए बठिंडा में, जहाँ ये घटना हुई है, और बहस करके लोगों के सवालों का उन्हें जवाब भी देना चाहिए। इससे पहले भी देखा गया कि आज सुबह सिद्धू मूसेवाला के पिता भी बलकौर सिंह व्यापारियों के धरने में शामिल होने के लिए मानसा से बठिंडा गए थे। उन्होंने अपना विरोध जताते हुए ये भी कहा कि पंजाब सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह सख्त कानून बनाना चाहिए। सरकार को हत्या का बदला खुद को मार कर लेना होगा, हत्यारों के बीच बाजार में गोली मारनी चाहिए। बलकौर सिंह ने कहा कि पंजाब में हर दिन गैंगस्टर उभर रहे हैं, राज्य सरकार को एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करना चाहिए जिस पर लोग गैंगस्टरों से मिल रही धमकियों के बारे में कम से कम अपनी सूचनाएं शिकायतें दर्ज करवा सके। इस वाले के पिता ने कहा कि जब तक बठिंडा में दुकानदारों की हड़ताल जारी रहेगी वो यहीं बैठे रहेंगे। हरजिंदर सिंह ने जोहल की हत्या के विरोध में ट्रेड यूनियन में बंद रहने का पूरा ऐलान किया था। इसके लिए शहर के सभी दुकानदार सुबह से ही मॉल रोड पर इकट्ठा हुए थे और सुबह 8 बजे तक देखा गया बड़ी संख्या में व्यापारियों का एक तबका इकट्ठा हुआ। इसके बाद दुकानदारों ने आर्मी चौक पर धरना देना शुरू किया। उधर जोहल की हत्या से नाराज दुकानदारों ने पूरे शहर भर में अपनी दुकानें बंद रखी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी शहर में इसके बाद बंद की घोषणा की। आज कोई भी व्यापारी या दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोलेगा और न्याय के लिए हड़ताल करने की बात कही। अपने मुखिया की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने
पंजाब सरकार से मांग की है कि जोहेल के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। बठिंडा के SP सिटी नरेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में कहा है कि हत्यारों के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें गठित कर ली गई हैं और अलग अलग एंगल से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तकनीकी सहयोग भी लिया जा रहा है। SP साहब ने कहा कि शुरुआती जांच में कुछ सुराग मिले हैं जिसके आधार पर अब मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जोहेल ने कभी भी किसी तरह की धमकी जैसी शिकायत आज तक पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस ने कहा कि गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों की उम्र करीब 25 साल की बताई जा रही है। मौके से गोली के जो खाली खोल होते हैं वो भी मिले हैं जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही मालूम चलेगा कि इस घटना में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, हमलावरों का गैंगस्टर कनेक्शन है या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि हरजिंदर सिंह जोहेल को 9mm पिस्टल से गोली मारी गई है। इन पिस्तौलों का इस्तेमाल ज़्यादातर पेशेवर निशानेबाजी करते हैं। फिलहाल पंजाब में डर का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।